बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक फेक सी किसी ने बना के चलाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रुपों में चला रहे हैं जी, कि न्यूज़पेपर में या जो भी जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने मोजस संग्राल के अंदर एक सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनके ऊपर पर्चा हो गया, फयाल हुई है, वो बाग गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, अजीब अजीब कहानियाँ लोग पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं। उसकी असलियत कुछ मैं आप लोगों को वाजह करता चलूँ। आज से एक साल डेढ़ साल पहले भी एक न्यूज़पेपरों में चला था जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने एक सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसकी इंक्वायरी प्रॉपर एक इंक्वायरी हुई थी, जहाँ के रेवेन्यू डिपार्ट के मुतलका पटवारी साहब, गिरदावर, तहसीलदार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, एसी साहब और एंटी करप्शन के अपने अदारे के बंदे जो वहाँ पे उनके जो महकमे माल को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली वहाँ पे विजिट करने गए मोजा संग्राल के अंदर। जब उन्होंने प्रॉपर विजिट किया तो ये जो जगह जिसकी जिक्र हो रहा है सरकारी ज़मीन का, ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर मशरक़ की तरफ है और बिल्कुल जरार कैंप के साथ करके इनका एक अलग एक पीस है 1200 समथिंग, इतना की बन ये एक सेपरेट इनका पीस वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो कहता है ये कुछ इसी मंथ में फरवरी मार्च में, ये जो टू मंथ अगो ये जो मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने नया पाकिस्तान में एक लेटर लिखा है कि देखिए जी, हमारे पास ऑलरेडी मोजा संग्राल के अंदर इस जगह पे एक सरकारी ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नया पाकिस्तान की कोई सोसाइटी या उसी कोई चीज़ लॉन्च करनी है तो आप देख सकते हैं, उसका हमारे पास प्रॉपर नोटिफिकेशन लेटर भी है। उसमें मुतलका जो पटवारी है उन्होंने प्रॉपर तहसीलदार जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है कि ये ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ने जो ज़मीन खरीदी है वो लोकल मलकान से खरीदी है और अपने हिस्से के मुताबिक अपनी जगह पे बाकाबज बैठे हुए हैं, उनका कोई सरकारी ज़मीन से लेना देना नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस बंदे ने जो भी वेरिफिकेशन करनी है जाके महकमा माल से कर ले, जिधर से मर्जी कर ले, ये एक फेक न्यूज़ है, इसको हम 100% रिजेक्ट करते हैं। जिधर मर्जी है जाके चेक कर ले, जिस अदारे ने भी जाके चेक करना है, ना ब्लू वर्ल्ड सिटी का उस ज़मीन से कोई लेना देना है, ना कोई तल्लक है, वो हमसे तो बहुत दूर है। और ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ जो लोग बना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, इनको बोलने खुदा रहे ये कहानियाँ छोड़ दें। ब्लू वर्ल्ड सिटी उस इलाके में आया, उस इलाके में आने की वजह से इलाके के लोगों के लिए खुशहाली लेके आया। जो ज़मीनें 30,000, 40,000, 1,00,000 रुपए के कनाल पे थी, अभी वो 30-35 लाख रुपए की कनाल हो चुकी हैं। गरीब के बच्चे अगर अपनी ज़मीन बेचते थे तो एक भैंस नहीं ले सकते थे। अभी वही लोग देखें अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, अपने घरों को आबाद कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, वो इलाके में खुशहाल हो गए हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी तो अपने इलाके को, गरीब लोगों को, कितने गरीब लोगों को उसने काम दिया, हज़ारों के लोग से हिसाब से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर अच्छा काम करने के लिए आए, खुदा रहा उसको चलाया करें, बजाय उसके पीछे ये प्रॉपर्टगंडे छोड़ दें। प्रॉपर्टगंडों से कुछ नहीं होने वाला, ना तो ब्लू वर्ल्ड सिटी किसी का हिस्सा या एक इंच भी ज़मीन सरकारी तो छोड़े, किसी आम आदमी की भी नहीं रखती, वो तो गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट है। इसलिए ये एक प्रॉपर्टगंडा है, प्रॉपर्टगंडों को ख़त्म करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ गरीब लोगों की बहुत दुआएं हैं, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने गरीब लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको और कामयाब करेगा और तरक्की देगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे प्रॉपर गंडे हर एक के पीछे होते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और हमें भी खुश रखे और इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट बन चुका और खुदा इंशाल्लाह इसको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच।